गाइस वेलकम बैक टू रोड राइडर यूपी 93। आज हम आपको बताएंगे एक्टिवा में जो कॉमनली प्रॉब्लम आती है, सेंटर स्टैंड की जो रॉड है वो निकल जाती है उसके थोड़ा टाइम पुराने होने के बाद। तो ये देखिए, इसकी भी रॉड अंदर जा चुकी है यहाँ से और दूसरी साइड से बाहर आ गई है। इवन उसने जो इसकी स्प्रिंग रहती है आपके सेंटर स्टैंड की, वो तक उसने बैंड कर दी है। ये देखिए बाहर आके जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं, तो ये जंग भी खा रहा है थोड़ा, और ये फिर निकल भी सकता है, कभी गिर भी सकता है रास्ते में। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ, घर पे ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका स्टैंड देखिए लग रहा है, इसमें स्प्रिंग पूरा इसी की वजह से ये स्प्रिंग भी बैंड हो गया है। तो इसको थोड़ा हैमर से आप लेके आप ईजीली इसको अंदर कर सकते हैं ठोक के। सो ये हो गया आपका। उसके बाद आप जो दूसरी साइड है इसका, वहाँ पे आप ये देखिए, इसमें एक ये पिन जो है लगी रहती थी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको देख पा रहे हो छोटी सी होल में। तो पहले तो इस पिन को निकालना पड़ेगा, किसी कील या नेल जो होती है उसके वजह से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये निकालने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो जो आप कील इसमें ठोकेंगे उसी कील को आप इसमें बैंड कर दीजिए। सो ये भी काफ़ी मजबूत रहती है, तो लॉन्ग टाइम चल जाती है। कुछ आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसको ठीक करने के लिए, ये आप इजीली कर सकते हैं जैसे कि ये मैंने किया है। सो आप गाइस देख सकते हैं, ये हैमर की मदद से प्लस प्लास से मैंने इसको बैंड करके अच्छे से फिक्स कर दिया है और ये स्टैंड काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।